बाजी महाराज का प्रश्न राम कंवर नाथ कृपा करके यह बताइए कि राम जी कौन हैं। अब यदि प्रश्न राम जी के विषय में है तो उत्तर भी राम जी के विषय से ही मिलना चाहिए। भरतवाज जी का एक राम जी को मैं जानता हूँ, कौन है वो? दशरथ जी के पुत्र जो राम है मैं उनके विषय में जानता हूँ। रावण ने उनकी भार्या अर्धांगिनी का हरण किया, उनको क्रोध आया, रावण का वध किया, वो राम जी के विषय में तो मुझे पता है। पर एक बात बताइए, एक राम जी वो है जो दशरथ जी के पुत्र है और एक राम जी वो है जिनके नाम का उच्चारण सदैव भोले बाबा करते रहते हैं और काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को उसके कान में राम राम नाम कर मुक्त कर देते हैं। तो ये दोनों राम अलग हैं कि एक ही है? मेरे वाले राम जी और भोले बाबा के राम जी, ये हम दोनों के राम एक हैं या अलग अलग? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ और मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ। कबीर दास जी की भी एक बात है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। अब हम और आप सोचेंगे, बात चल रही थी कि राम जी एक हैं, चार राम तो यही हो गए, चार राम नहीं हुए भैया। कबीर दास जी के शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक राम, राम एक है। इसको बस सरल करना चाहिए तो कुछ ऐसा कह सकते हैं कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। राम जी एक है, किंतु याज्ञवल्क्य महाराज ने क्या कहा? आप उससे प्रभु की कथा सुनना चाहते हैं, चतुराई तुम्हारी मैं जान जान। हे भरतवाज जी, आपने जो मुझसे प्रश्न किया ना, जैसे कोई बहुत बड़ा अज्ञानी व्यक्ति हो जिसको राम जी के विषय में कुछ भी ना पता। भरतवाज जी का परिचय ही किस प्रकार से मिल रहा है? भरतवाज मुनि बसु प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। अब सोचिए, जिसके हृदय में पहले से ही ठाकुर जी के प्रति इतना अनुराग है, प्रेम है, क्या वो ठाकुर जी को नहीं जानेगा? श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपने मुझसे ये जो एक छोटा सा प्रश्न किया है ना कि राम जी कौन है, वास्तविकता तो ये है आप ये नहीं जानना चाहते कि राम जी कौन है, क्योंकि वो तो आप जानते ही हैं। सत्य बात ये है कि आप मुझसे राम की कथा सुनना चाहते हैं, आपके हृदय में श्री राम कथा सुनने की इच्छा है, इसीलिए आपने मुझसे ऐसा प्रश्न किया। यदि याज्ञवल्क्य जी जान चुके थे कि भरद्वाज जी के हृदय में प्रभु के कथा के को सुनने की इच्छा है, उनके विषय में जानने की इच्छा है, तो उत्तर भी कुछ राम जी के विषय से ही होना चाहिए। पर राम कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहले आई शिव कथा, और शिव कथा के बाद अब उसके आगे आएगी राम कथा। यदि आप किसी से कोई प्रश्न करो, कोई सवाल पूछो, और आपको सामने वाला व्यक्ति उस सवाल के उत्तर के बजाय कोई और उत्तर देना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा टोक देंगे, ना 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 ना, मेरा ये सवाल तो है ही नहीं, प्रश्न मेरा ये है, आप उत्तर गलत दे रहे हैं। श्री भरद्वाज जी ने साफ शब्दों में कहा कि राम जी कौन है, लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने कथा सुनाना जब शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया? भरद्वाज जी कथा सुनिए, भोले बाबा के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई, शिव कथा से राम कथा का उत्तर मिलना शुरू हो रहा है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार सिपाही
गुमाहे। त्रेता युग का समय भूत भावन भगवान भोलेनाथ के हृदय में कथा सुनने की इच्छा हुई कि कहीं चलकर राम कथा सुनते हैं। जब कथा सुनने की इच्छा हुई ना भाई, सोचा नहीं, विचारा नहीं, कहाँ जाएं, कौन अच्छी कहेगा। प्रथम बात, श्री राम कथा, प्रभु की कथा, प्रभु का चरित्र कोई भी गाए वो चरित्र सदैव अच्छा ही होता है। जैसे यदि आपको बुखार हो रखा हो, आपको दवा लेनी है, यदि आपको कोई 20 साल का 25 साल का युवक वो दवा दे तो भी वो दवा उतनी ही फायदा करेगी, और यदि कोई 4 साल का बच्चा दे तो भी वो दवा अपना उतना ही असर दिखाएगी। दवा ये नहीं कहेगी कि ये छोटा है तो मैं कम असर करूँगी, ये बड़ा है तो इसके हाथ से मैं ज़्यादा फायदा करूँगी। उसका काम है आराम देना। ठीक इसी प्रकार से श्री राम कथा जीवन की व्यथाओं को दूर करती है। भोले बाबा कथा सुनने भी गए तो कहाँ, कैलाश से उतरे, दक्षिण भारत की तरफ गए, वहाँ कौन रहता है, कुंभज ऋषि, जिन्हें अगस्त ऋषि के नाम से भी हम जानते हैं। कुंभज का मतलब, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, घड़े से जिसका जन्म हुआ है वो कहलाए कुंभज। और उन कुंभज ऋषि के पास भोले बाबा मैया सती को साथ लिया है और कथा सुनने पहुंचे। आप यदि आपके दरवाजे पर आवाज हो, आप दरवाजा खोलें और आपके दरवाजे पर कोई एक ऐसा महान व्यक्ति खड़ा हो जिसके आने के विषय में आपने सपने में भी ना सोचा हो, तो उसको देखते ही आप हड़बड़ा जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे इनको बिठाएं कहाँ, इनको खिलाएं क्या, इनका स्वागत कैसे करें। ठीक यही दशा हुई है आज अगस्त ऋषि की। देवों के देव महादेव को अपने द्वार पर जब देखा कुंभज ऋषि ने, अब समझ नहीं पा रहे। जब हृदय में प्रेम ज्यादा उमड़ जाता है ना मेरे भाई, तो इंसान नेम भूल जाता है। नेम का मतलब, फिर वो ये नहीं समझ पाता है कि इसके लिए ये ज्यादा वीआईपी है या बड़ा है या छोटा है, वो बस अपना प्रेम रखता है सामने। भगवान भोलेनाथ को देखकर, माँ जगदम्बा को देखकर, मैया सती को देखकर अगस्त ऋषि आज भाव में इतने विभोर हो गए, आसन दिया। भोले बाबा के आने का, आने की वजह भी पता चली, कैसे पधारे हैं, किस ध्येय से आए हैं, कथा सुनने आए हैं। अब एक विचार करिए, कुंभज ऋषि कथा कहने वाले हैं, अर्थात वो वक्ता हैं। भोले बाबा और मैया सती कथा सुनने आए हैं, यानी कि वो श्रोता हैं। नियम क्या है, परंपरा क्या है कि कथा सुनने वाला कथा कहने वाले को सम्मान देता है, पूजन करता है। पर आज आप इस क्रम की ओर यदि देखें, यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ वक्ता श्रोता का सम्मान कर रहा, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, खोडोपचार पूजा कर रहे हैं, और जब यहाँ सम्मान होते देखा भगवान भोलेनाथ के हृदय, उनके हृदय में कौन सी भावना आ रही। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे, कितनी सरलता है इनके अंदर, इनके अंदर का प्रेम तो देखो। नियम कहता है कि मैं इनकी पूजा करूं और ये एक वक्ता होने के बाद भी उल्टा मेरी पूजा कर रहे हैं। ये नजरिया है भूत भावन भोलेनाथ का, ये मेरे बाबा का नजरिया है। और वहीं पर मैया सती, जैसे ही सती मैया की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, मैया सती ने उनके प्रेम को नहीं समझा, उनके भाव को नहीं समझा, उनके प्रेम को, हृदय के भाव को उनका अज्ञान समझा कि शायद इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कौन किसकी पूजा करे। और जिसको इतनी छोटी सी बात नहीं पता है कि वक्ता श्रोता की पूजा करे, कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, वो पूरी राम कथा क्या जान पाएगा क्या। और पहले ही जब मैया ने अपने मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया कि इनको कथा वथा कछु आती वाती, सो मैया ने सोचा अब बैठ तो गए हैं, भोले बाबा के साथ आई हो तो अब जा तो सकती नहीं, तो बैठना पड़ेगा। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं इस पर आपसे आज विस्तृत चर्चा करूंगी कि कथा में बैठना तो पड़ेगा। ये जो एक शब्द है,
कथा का बैठना, कथा में बैठना, ये दो बड़ी विपरीत चीज है भाई। कथा में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, हो सकता है आज दूसरा दिन है इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है कथा के सातवें आठवें दिन तक वो पीछे तक लोग बैठ जाएं। पर महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठे हुए हैं, पूरा पांडाल भर जाए, कथा में सारे लोग बैठ जाए और कथा एक जन में ना बैठे तो क्या फायदा हुआ। आप कथा में बैठे हो, मन आपका दुकान में लगा है, ना जाने भगवान जाने शटर गिराया है कि नहीं गिराया है, ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, घर की गैस बंद है कि नहीं है। आप तो यहाँ हो, पर क्या सच में आप यहाँ हो? कथा में आप बैठे हो, ये तन तो बैठा हुआ है पर मन तो बाहर की टहल मार रहा है। प्रयास यह किया जाए, देखिए मन जो है ना, मैं नहीं कहती, मेरे संतों ने एक बात कही है, मन की अटपट है गति, झटपट लखे ना खोए। मन की अटपट है गति, झटपट लखे ना खोए, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। मन की अटपट है गति, झटपट लख है ना कोए। मन जो है ना, बहुत कम ही बार मन कहता है कि चलो आज भगवान की ओर चलते हैं। मन ज्यादातर ये कहता है क्या करने को, 3 घंटे पैर दुखाने जाओगे, आराम से पढ़िया पैर लंबे करके सो घर पे, क्या काम है वहां, सुना तो है वही राम कथा होगी, आज भोले बाबा का ब्याह है तो कल राम जी का जन्म होगा, ये सब तो सुनी सुनाई बातें, क्यों जाना है। मेरे संतों ने कहा कि मन अपने आप नहीं टिकेगा, आप लाख यत्न कर ले कि पहले मन लगे तब जाके हम भजन करें, तो ना वो लगेगा ना आप करेंगे। सीधी सी बात है, मन में यह भाव तो कम से कम रख के चले कि जितनी देर तक इस प्रांगण में बैठे हैं उतनी देर तक हम पूरी तरह से यहाँ पर हो, यह प्रयास तो कर सकते हैं, ठाकुर जी से ये प्रार्थना तो कर सकते हैं कि सरकार तन को तो ले आए हैं पर मन को भी यदि अपने चरणों में लगा लेते तो बड़ी कृपा हो जाती, बड़ा अच्छा हो जाता। मैया सती कथा में बैठी हुई है पर कथा नहीं सुन रही है, क्योंकि कथा में बैठी है और मन में भाव क्या है, इनको कथा आती नहीं तो ये कहेंगे क्या। और जब वो पहले से ही सोच लिया है मैया ने कि इनको कछु आता ही नहीं है, इनको नहीं है पता राम कथा के विषय में, तो क्या सुनूं, बैठी रही। नजरिया एक बहुत बड़ी चीज होती है श्रोताओं, यदि हमने किसी के विषय में पहले से अपनी एक मानसिकता बना ली कि हाँ सामने वाला गलत है, तो आपसे यदि 50 लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं भाई वो बहुत अच्छे आदमी है, जरा बात तो करो मिलके तो देखो, आपने यदि ठान लिया है अपने मन में मानसिकता एक बना ली है कि वो गलत है, तो आप उन 50 लोगों की बात पर भी यकीन करने वाले नहीं है। और यदि आपने ठान लिया है कि सामने वाला बहुत सही आदमी है, फिर 100 जन भी आकर आपसे कहेंगे अरे वो बहुत गलत आदमी है उसका साथ छोड़ दो, आपके मन में यह गवाही कभी देगा ही नहीं कि वो गलत है, क्योंकि आपने अपने हृदय में जो धारणा बनाई है वो ये है कि वो बिल्कुल सही आदमी। नजरिया, अंधेरा वहां नहीं होता जहां तन गरीब होता है, अंधेरा वहां होता है जहां मन गरीब होता है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। लाखों की भीड़ हो, हजारों के मेले हो, पर जब तक खुद से ना मिलो तब तक दुनिया में अकेले हो। अपने आप से जब तक भेंट ना हो जाए ना, तब तक चाहे संसार में सब मिलते रहे। जब मलूकदास जी का एक निर्गुण भजन है, कुछ पंक्तियां उसकी स्मरण हो रही हैं मुझे। जीवन में बहुत ज्यादा समय नहीं मिला, कल प्रथम दिवस की कथा व्यतीत हुई, आज ये द्वितीय दिवस जो चल रहा है ये भी पीछे नहीं जा रहा है आगे जा रहा है,
ये विराम की ओर बढ़ रहा है, शुरुआत की ओर नहीं बढ़ रहा है। ऐसे एक एक करके हर एक दिन बीतेंगे और जीवन में जितने भी संसार में जीव जंतु प्राणी कोई भी है, सबके पास केवल 7 दिन का टाइम है भाई। 7 दिन के बाद कोई 8वां लेके आया हो तो मुझसे मिलना जरूर, सोमवार से रविवार बस इतना ही समय सबके पास है। अब इसको यदि इस दृष्टि से देखें, सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को विवाह हुआ, बृहस्पतिवार को बाल बच्चे हुए, परिवार बढ़ा, शुक्रवार को तबीयत खराब हुई, शनिवार को हॉस्पिटल पहुंचे और रविवार को डॉक्टर ने फोन करके कहा बोलो जियावर रामचंद्र की। 7 दिन का समय है, 7 दिन से ज्यादा किसी के पास नहीं है, ना मेरे पास ना आपके पास, किसी के पास भी 7 दिन से एक पल भी ज्यादा का वक्त नहीं है। मलूकदास जी ने कहा भैया जीवन में जितना अच्छा करना चाहते हो वो अच्छा भी इसी 7 दिन के भीतर कर सकते हो, गलत भी करना चाहते हो तो इसी 7 दिन के भीतर कर सकते हो। अच्छा करोगे तो हिसाब भी अच्छा ही होगा और यदि गलत करोगे तो इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि कहीं पर आपका लेखा जोखा एक एक निमिष का भी चल रहा है और जाकर वहां पर जवाबदेही आपकी ही बनेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे मालिक यदि दुकान पर किसी नौकर को या आपने किसी भी काम करने वाले को बिठाता है तो शाम को आकर हिसाब लेता है कि भैया क्या क्या किया है पूरे दिन का, हिसाब किताब जरा लेखा जोखा दो। जीवन का भी लेखा जोखा एक दिन ऊपर जाके देना है। मलूकदास जी कहते हैं 7 दिन के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश, सिर्फ 7 दिन, 7 दिन के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश, अरे करना हो सो कर ले सखिया, अरे छूटत बायह देश, हो जा दिन भेजी है पिया पर आना फिर ना आना हुई है ना, हो जा दिन भेजी है पिया पर आना फिर ना आना हुई है ना, जा दिन भेजी है पिया पर आना फिर ना आना हुई है ना, हो जा दिन भेजी है पिया पर शरीर में भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे झुंझुनी चढ़ जाती है बॉडी में, तो जरा तालियों के साथ और सब लोग गाते हुए जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ कहेंगे
भीतर भेजे पिया मेरे संदेश, सात दिना के भीतर भेजे पिया मेरे संदेश। अरे करना हो सो कर ले सकिया, छूटत पाया है देश। करना हो सो कर ले सकिया, छूटत पाया भगवान से रोज रोज कहे ठाकुर जी आज निकाल दो, बढ़िया तकलीफ हो रही है। ठाकुर जी ने कहा बाहर जाके क्या करोगे, हमने कहा आपका भजन करेंगे और क्या करेंगे। ठाकुर जी ने कहा वादा, हमने कहा पक्का पक्का वादा, आपका भजन ही करेंगे। और जब बाहर आए तो कितना भजन किया है ये तो अपना अपना हिसाब हम और आप अपना ही जान सकते हैं, कोई और कैसे जानेगा, या तो हम जानेंगे या तो वो जानेगा। गर्भवास में भजन कबूला, बाहर गया भूला। गर्भवास में भजन कबूला, बाहर गया भूला। और युवा भये तब पाप कमाया, धर्म को दिया गवाए। युवा भये तब पाप कमाया, धर्म को दिया भुला। जा दिन जा पे राम नगरिया, लेखा देना हुए ओ। जा दिन जा पे राम नगरिया, लेखा देना हुए ओ। जा दिन जा पे राम नगरिया, लेखा देना हुए ओ। जा दिन जा पे राम नगरिया, लेखा देना भी है ना। धारा परम्पार,
जब कठिन अपार। ओ कह गए दास मलूक विचार सा सत सहना हुई ओ कह गए दास मलूक विचार सा सत सहना हुई है राम। एक दिन बन धन के दुल्हन सबको बोलना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओ एक दिन बन ठन के दुल्हनिया गवने जाना होई है ना। ओ जा दिन जा बैराम नगरिया लेखा देना हुई है ना। हो जा दिन भेजी है पिया परवाना तो फिर ना आना हुई है ना। मलूक दास जी कहते हैं वे तरुणी एक नदी बहत है धारा अपरंपार। वैतरणी नाम की नदी अपरंपार धारा। अब हम सोचेंगे सारी नदी तो नाम से तो पार हो ही जाएगी, ये नदी भी नाम से पार कर लेंगे, पर मलूक दास जी ने कहा ई नदिया में नाव न बेड़ा उतरब कठिन अपार। ना नाव है ना बेड़ा है, इसको पार कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर मिला है मानस में। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं यदि भव सागर से पार जाना है नाव बनी बनाई मिलेगी नहीं, बनानी पड़ेगी। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कह दृढ़ है ना। जो हम और आप सुन रहे हैं और यही कथा जो भोले बाबा सुनने गए हैं। मैया कथा नहीं सुन रही है,
जब मैया का आना हुआ कुंभज ऋषि के आश्रम में, गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, साथ में जगत जननी मैया सती भी गई हैं भोले बाबा के साथ कथा सुनने के लिए। गई तो है पर कथा सुनी नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने जब माँ आई तो नाम का वर्णन किया कि मैया भी आई है, पर जब कथा नहीं सुनी तो मेरे गोस्वामी जी महाराज ने सुनने वाले श्रोताओं की लिस्ट में से मैया का नाम हटा दिया और क्या लिखा, कथा सुनी किसने? कुंभज ऋषि ने गाई पर कथा सुना कौन? सुनी महेश परम सुख माने। सिर्फ भोले बाबा ने कथा सुनी तो भोले बाबा का नाम लिखा, मैया ने तो कथा सुनी ही नहीं। भरद्वाज जी महाराज से पूछा दक्षिणा क्या दो, कुंभज ऋषि से पूछा दक्षिणा क्या दो। संत हैं, भक्त भगवान से भी कभी मांगते नहीं है। ये मांगने वाली जो लिस्ट होती है ये हमारे आपके पास होती है। हम ठाकुर जी के पास जाते ही तब ही है जब कुछ मांगना होता है, उसके पहले नहीं जाते। गए इसका मतलब कि कुछ ना कुछ जरूरी काम या आफत आ पड़ी है, सो पहुंचे भगवान के पास। यहाँ पर कुंभज ऋषि ने कुछ मांगा नहीं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, मुझे जरा भक्ति के विषय में कुछ बताइए, और भोले बाबा ने वरदान दिया, ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की। भोले बाबा वहां से आगे बढ़े, मन में एक बस जिज्ञासा एक लालसा चल रही है, कथा सुन के मेरे कान तो तृप्त हो गए हैं पर अभी मेरे नेत्र तरस रहे हैं। जिनकी कथा सुनी है ये दंडकारण्य का क्षेत्र है, यही कहीं मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे होंगे, तो जिनकी कथा सुनी है यदि एक बार उनके दर्शन भी मिल जाते तो बड़ी कृपा हो जाती। यही विचार यही मनोरथ किए भोले बाबा चले जा रहे हैं, और क्या दिखाई दिया, नीचे ठाकुर जी की लीला हो रही है। कौन सी लीला? मैया का रावण हरण करके ले गया है और मेरे ठाकुर जी माँ की तलाश में, माँ की खोज कर रहे हैं, पशु पक्षियों से, मृग से। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कड़कड़ से पेड़ पौधों से पता पूछ रहे हैं। भोले बाबा ने जब वो दृश्य देखा, मन में एक बार विचार आया थोड़ा पास जाके प्रणाम कर लूं क्या, फिर मन ने कहा नहीं 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 नहीं, मेरे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, यदि पास चला गया तो लीला में बाधा हो जाएगी। सो दूर से ही प्रणाम किया, लेकिन मुख से भाव ही भाव में कुछ शब्द निकले। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती आनंद जग पावन। भगवान भोलेनाथ ने जब ठाकुर जी को देखा दूर से ही हाथ जोड़कर कहा हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक, आपकी जय, प्रणाम किया। मैया सती साथ में ही है, मैया सती ने भी नीचे देखा कि कौन है सच्चिदानंद और जगत पालक, जरा हम भी तो देखे। जब मैया देख रही तो मैया को क्या दिखाई दे रहा है, ये तो कोई राजा के बेटे हैं और इनके हाव भाव प्रक्रिया को देखकर लग रहा है शायद इनका कुछ खो गया है, सो ये उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चिदानंद और जगत पालक कहकर इन साधारण राजकुमारों को मेरे भोले बाबा ने संबोधित किया, बात कुछ समझ नहीं आई। यदि जीवन में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इसका दो समाधान है,
या तो आप किसी से पूछिए जिसको समझ आ चुका है, और या तो फिर स्वयं से जाकर समझने का प्रयास करिए। और यदि स्वयं के प्रयास से समझ नहीं आ रहा है तो फिर उसकी शरण लीजिए जो उस विषय में जानता है, तभी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। मैया सती ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रही है, और जो पहचान चुका है यानी कि भोले बाबा उनसे पूछ नहीं रही है, मन में ही सवाल दबा कर बैठी है। भगवान भोलेनाथ ने मैया से कहा, सती आपने पहचाना नहीं? अरे ये वही मेरे सर्वेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे सर्वस्व, मेरे इष्ट प्रभु श्री राम है। मैया ने कहा, कौन? अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा का गान कुंभज ऋषि ने किया, ये वही हैं। अब विचार करके देखिए, यदि मैया ने कथा सुनी होती तब तो पता होता कि किसकी कथा का गान कुंभज ऋषि ने किया है। जब कथा सुनी ही नहीं तो का पता कि कासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अब यदि आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब कथा इधर चल रही है, और आपकी यदि अपनी कोई पर्सनल कथा एक दो लोगों में चल रही होगी तो आपको क्या पता चलेगा कि इधर कौन सी कथा चल रही है। मैया से भोले बाबा ने कहा, अरे ये भगवान है, ये साक्षात परात्पर ब्रह्म है। मैया ने कहा, क्या बात करते हैं प्रभु, आप कहते हैं ये ब्रह्म है। अरे ब्रह्म बढ़ा अपनी पत्नी के खो जाने पर, भार्या के न मिलने पर ऐसे पेड़ पौधों से पता पूछेगा क्या कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी वैदेही कहाँ है? प्रभु मेरी बुद्धि नहीं मानती कि ये भगवान है। और सच कहूँ तो बुद्धि कभी भी भगवान को पहचान ही नहीं सकती है। भगवान को पहचानने की क्षमता यदि किसी में है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में है। बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान को पहचान सके। ठाकुर जी के हाँ में हाँ मिला ले तब तो देखिए सारी समस्या का समाधान बहुत आसानी से हो जाए, फिर कोई परेशानी नहीं। एक बार पहले सभी लोग अच्छे से जय घोष करेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कथा में बहुत से लोग कथा में हैं पर कथा में भी नहीं है, होके भी नहीं। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोल सच्चे दरबार की। अब बोलियो मत, अब खाली सुनना है आपको। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था, सफर कर रहा था, सीट पे बैठा था। बैठा तो सीट पे था लेकिन जो उसका सामान था ना, वो सामान उसने अपने सर पे उठा रखा था। सामान सिर पे लेकर के ट्रेन की सीट पे बैठा हुआ है। हमने सामने वालों ने देखा, अगल बगल के लोगों ने देखा, लोगों ने कहा, रे भाई क्या कैसा, मतलब क्या कर रहे हो तुम? सीट पे बैठे हो तो सामान नीचे रख दो, आराम से बैठो मस्ती से। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे निर्दयी लोग हो तुम भी, मतलब एक तो ये ट्रेन बिचारी मेरा भार उठा रही है, ऊपर से सामान का भार भी मैं इस ट्रेन पे ही डाल दूं। अरे कम से कम इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए ना कि मेरा भार उठा रही है तो सामान का भार मैं उठाऊं। अब आप जरा अपने विचार से सोच के देखिए कि यदि वो ट्रेन की सीट पर बैठा है और सर पे सामान लाद रखा है, तब भी सामान का भार ट्रेन पे है कि नहीं? ट्रेन के यदि ट्रेन पे रख देगा तो भी उस सामान का भार ट्रेन के ऊपर ही, और सिर पे भी लेके बैठे रहेगा तब भी उसका भार ट्रेन पे ही। हमारे और आप में भी कुछ ऐसी ही दिक्कत होती है। हम दुनिया भर की चिंता का भार अपने सिर पे लेके घूमते रहते हैं और लगता है जब तक हम नहीं घूमेंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। पर सही बात तो ये है कि आप पूरी चिंता की गठरी अपने सर पे लेके बैठे रहो तो भी हमारा भार उसी के हाथ में है, और यदि ये भार उसके हाथ में सौंप दो तो भी हमारा भार उसी के हाथ में। तो समझदारी इसमें है कि अपना सारा भार उस पर डाल करके आराम से सुकून से बैठा जाए। चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। चिंता और चिता ज्यादा फर्क नहीं है, बिंदी लगा दो तो चिंता और वो बिंदी हटा लो तो
चिता, दोनों में फर्क क्या है? चिंता चिता समान है, अंतर है बस एक, और चिता जलाए मरे को और चिंता जीवित दे। चिता तो मरने के बाद जलाती है, और जो चिंता पाल के बैठता है ना, वो तो रोज हर पल जलता रहता है, उसकी काया वैसे ही जलती रहती है चिंता में। किसी से भी पूछिए आजकल, सही बात तो ये है कि किसी से भी आप सवाल कर लो, भैया सब ठीक ठाक है, तो मुश्किल से 100 में से शायद 5 या 10 लोग कहेंगे कि हाँ सब ठीक है। नहीं तो वरना पहले कहेंगे हाँ सब ठीक है, उसके बाद 10 परेशानी गिनाए बिना तो छुट्टी है ही नहीं। सब ठीक तो है लेकिन ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, इतनी समस्या, ये है वो है। दुख का रोना तो हर कोई रोता है, पर सच बताइए जब जीवन में सुख आता है तो किसी से कहने जाते हैं क्या कि भैया सब ठीक है, खूब बढ़िया आनंद है ठाकुर जी की कृपा से। दुख की गिनती खूब कराते हैं, सबसे कराते हैं, पर सच कहूं जिस चीज का जितना अनुभव करेंगे आपको उतना दुख अनुभव होगा, सुख का अनुभव करेंगे तो सुख का अनुभव होगा। दो चेला थे, एक जगह से निमंत्रण करके आए। अब एक चेला तो खुश और एक चेला दुखी। गुरु जी ने पास बुलाया दोनों को, कहा कि एक बात बताओ, वो तो इतना खुश है, तुम काहे को ऐसे रोते गाते बैठे हुए हो, तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या हुआ सेठ जी ने, मतलब खिलाने पिलाने में कछु भेदभाव किया क्या? दुखी चेले ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो उसको खिलाया वही हमको भी खिलाया। अच्छा अच्छा, तो फिर बैठने उठने में कुछ ऐसा किया क्या कि उनको ज्यादा सम्मान तुम्हें कम सम्मान, इसलिए दुखी हो? नहीं 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 नहीं, बैठाया उठाया भी एक बराबर ही, उसमें भी कोई कमी नहीं। अच्छा तो लगता है दान दक्षिणा में कुछ कमी की होगी, इसीलिए तुम दुखी हो और वो खुश है, उसको ज्यादा मिला होगा तुम्हें कम मिला होगा। उसने कहा नहीं 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 नहीं, 2 रुपए उसको दिए, 2 रुपए मुझे दिए, उतना ही था। गुरुजी ने कहा जब सब कुछ बराबर ही है तो वो इतना खुश क्यों है और तुम इतने दुखी क्यों हो? तो जो चेला खुश था ना उसको भी बुलाया और साथ बिठाया। दुखी चेले से कहा तुम काहे को दुखी हो फिर, ये तो खुश है। दुखी जो था उस चेले ने कहा महाराज इतना बड़ा सेठ था गुरुजी, हमने सोचा था इतने बड़े सेठ के यहाँ भोजन पे जा रहे हैं तो कम से कम 5 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस उम्मीद से हम गए थे और ये देके 2 रुपए देके भेज दिया उन्हें। गुरुजी ने जो चेला खुश था ना उससे पूछा, कहा कि ये तो 2 रुपए पाके रोए जा रहा है रोए जा रहा है, तुम इतना काहे को खुश हो? उस चेले ने कहा गुरुजी हम तो ये 2 की भी उम्मीद नहीं करके गए थे, हमें तो लगा था, ये तो पता था कि अमीर बहुत है, पर ये भी पता था कि कंजूस बहुत है। हमें तो ये लगा था कि यदि वो 8 आने 1 रुपए भी दे देना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और जब 2 रुपए मिले तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब इस पूरी कथा का सार ऐसे समझिए, जीवन में हम आप दुखी क्यों रहते हैं? हमेशा हम ज्यादा की उम्मीद करते हैं और जब उससे थोड़ा भी कम मिलता है बस हम दुखी। एक कमरा है ना तो संतुष्टि नहीं, 2 हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं है कि अब संतुष्ट हो जाए कि 2 हो गया है, 2 के बाद तीसरे की चाह अंदर से आवाज आती रहती है, अब 2 तो हो गए, 1 और हो जाता तो थोड़ा सा ज्यादा सुंदर लगता। हमेशा जब तक ये ज्यादा की उम्मीद रहेगी तब तक हम खुश नहीं हो सकते, और जब तक ज्यादा की चाह करते रहेंगे तो जो मिला है ना उसका भी आनंद और सुख हम भोग नहीं पाएंगे, रोते ही रोते पूरी जिंदगी चली जाएगी। हम क्या कहते हैं जब कोई कहता है ना भैया थोड़ा भजन वजन करो जीवन बीत रहा है, तो पहली बात यदि 20-25 साल की आयु में किसी से कह दो भजन करो तो सबसे पहला जवाब तो वो ये देगा कि ये सब काम हमारे माँ बाप का है, हमारा काम अभी घूमने फिरने का, हम भजन करेंगे तो हमारे माई बाप का करेंगे, अभी ये हमारा टाइम नहीं है, भजन अभी नहीं किया जाएगा, कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे, जब आराम से नौकरी चाकरी से छुट्टी धंधे काम से सबसे छुट्टी मिलेगी तब भजन करेंगे। एक बात बताइए बुढ़ापे में किसका भजन कितना होता है ये तो ठाकुर जी जाने, कितना हो सकता है? अपने हाथ की लाठी तो अपने से संभलती नहीं, तो हाथ में माला लेने की सामर्थ्य रहेगी क्या? कहाँ से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? अभी जो समय मिला है ना, भक्ति कभी भी ये मत सोचिए कि 55 में चल के करेंगे,
जिसका बचपन में होगा उसका पचपन तक चल भी सकता है, और यदि कोई ये सोचे पचपन में शुरू करेंगे तो पचपन में कछु शुरू नहीं होता, सब खत्म होता है, शुरू नहीं होता है। समय जो मिला है इस समय में करिए, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन किया हरि का, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, अरे जब वक्त तंग आया उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग बेरंग आया
गाड़ी हो, एकदम आप न्यू गाड़ी खरीद के लाइए, गाड़ी की लाइट सही है, ब्रेक सही है, हॉर्न सही है, सब कुछ सही है, बस उस गाड़ी का इंजन खराब हो, वो गाड़ी किसी काम की है क्या? अरे हाँ या ना कछु करिए, कुछ बताइए तो मुझे समझ में आए कि हाँ आप कुछ समझ रहे हैं। कोई काम की है गाड़ी? अच्छा चलिए इंजन नया कर देते हैं, नया इंजन लगवाया लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल हैं, टायर पंचर हो रखी है, हॉर्न भी खराब है, हेडलाइट टूट रखे हैं, कुछ भी नहीं है, अब वो गाड़ी किसी काम की है क्या? मतलब दोनों अर्थ में वो किसी काम की नहीं है, वो कब काम की है? जब दोनों ठीक रहेंगे तब गाड़ी चल सकती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब तक ये तन के पुर्जे ठीक होते हैं मतलब युवानी में, तब तक ये मन रूपी इंजन खराब रहता है। तन कहता है, तन साथ देता है कि तीर्थ कर सकते हैं, हाथों में पैरों में अभी जान है, तो मन कहता है तीर्थ करने के लिए बुढ़ापा पड़ा है ना, बाद में करें। अब जब ये तन रूपी पुर्जे ढीले हो गए, लाइट पे ब्रेक पे, जब ये पुर्जे खराब हो गए तो ये मन रूपी इंजन कहता है कि अब बुढ़ापा आ गया, चलो कहीं तनिक तीरथ व्रत कर आए, तो तन साथ दे पाएगा क्या? मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर पर उल्टा हो रहा है, इधर तो ठीक चल रहा है, इधर तो पूरी एकदम सारा कोरोना का असर इधर ही दिख रहा है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग, जोर से, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग, जीवन खत्म हुआ तो, अरे जीवन खत्म हुआ तो, कहीं ऐसा ना हो कि कथा ये पूरी हो जाए तब आपको गाने का ढंग आए, थोड़ा जल्दी कर ले। जीवन खत्म हुआ तो, हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत खुश मत होइएगा कि हमने बड़ा अच्छा गा दिया, ऐसा कछु नहीं है, जरा दो नहा दो कर गिरी सारे लोग। जीवन खत्म हुआ तो आज जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
तो जब शाम बुझ गई तो हनुमान की जय। तो आप अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बीच में ही बस थोड़ा जगाना पड़ता है आप लोगों को। मैया सती को जब विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, भोले बाबा ने कहा मेरे कहने पर भी यदि यकीन नहीं हो रहा है तो एक ही बात, अब एक रास्ता बचा है, एक मैं निवेदन करूंगा, किसी को समझाने से पहले आप स्वयं समझिए। क्या समझिए? ये समझिए कि सामने वाला समझना चाहता है कि नहीं चाहता है। सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है और आप हैं कि समझाने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, तो इस दोनों का कोई फायदा होने वाला? किसी को भी समझाइए एक सीमा तक। मैं भोले बाबा के प्रसंग से ही आपको ये बात कह रही हूँ। भोले बाबा ने केवल उतना समझाया जितना उनका कर्तव्य था, वहां तक समझाया, और जब उसके बाद भी मैया नहीं मानी तो भोले बाबा ने फिर वही छोड़ दिया। किसके ऊपर? जिसकी ये पूरी लीला चल रही है। संभालो, हम किसी को समझाते हैं तो तब तक समझाते रहते हैं या तो वो समझ ही जाएगा और या तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जिंदगी में समझाने की नौबत ही नहीं आएगी। इतना समझाएंगे, समझाने से पहले समझिए कि क्या वो समझना चाहता है। एक युवक था, खाली एक काम करे, खाए और सोए। अब कौन से घर वाले ऐसा बर्दाश्त करेंगे कि खाए और सोए और घर पे उसको बैठा के खिलाएंगे? घर वालों ने निकाल दिया, भाग जाओ यहाँ से। अब वो पेड़ के नीचे भी पहुंचा, कहीं भी इधर उधर से यदि भोज भंडारा हो तो खा ले और सोए, उसके बाद भी कछु काम धाम नहीं किया उसने। एक समाज सेवक थे बेचारे, रोज उधर से रास्ते से गुजरे, तो एक दिन जा रहे थे, देखा पेड़ के नीचे युवक सोया था बढ़िया, पैर पसार के आराम से। एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीसरे दिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इसको तनिक चल के समझाना चाहिए कि काहे को अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। पहुंचे, उससे कहा बेटा तुमसे तनिक बात करनी है। केसो तो वो आलस में जमाई लेते हुए उठ के बैठा, कहा बताइए क्या बात करनी है। उन्होंने कहा सज्जन ने बेटा अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो।